क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है, मैं अपने दोस्त के यहाँ आया हुआ हूँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। अच्छा विजय, जैसे आपके फ्रेंड यहाँ पे रहते हैं, आपको उनसे बातचीत भी होती रहती होगी लगातार, सुपरटेक के अनुसार आपके पास क्या जानकारी है सुपरटेक के लिए? देखिए ऐसा है, वो तो बता रहे थे कि 28 तारीख के आसपास इनकी इनको इस बिल्डिंग को ये गिराएंगे, लेकिन बात ये है कि जैसे अभी आप देखते हैं ये जो पास में एमरल्ड की जो बिल्डिंग है, इसमें आप देखें अभी कई आपको क्रैक्स दिख जाएंगे बाहर से ही। अब ये RW बोलती है कि भाई रिपेयर का काम चल रहा है, लेकिन अब वाइब्रेशन का जब बिल्डिंग गिरेगी, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने ज़्यादा विस्फोटक यूज़ हो रहे हैं, अब गिर जाएगी उस समय वाइब्रेशन कितना होगा, उससे बिल्डिंग्स को नुकसान होगा, डर तो सबके अंदर बना हुआ है। अब डर है लेकिन उसमें कर भी कुछ नहीं सकते हैं। देखिए कि अब आगे क्या होता है, जिस दिन गिर जाएगा उस दिन उसके बाद ही पता चलेगा कि यथा स्थिति क्या है उस समय की। अभी जैसे आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते रहते हैं तो कोई डर का माहौल दिखता है उनके पास? अंदर अंदर देखिए सबके अंदर कहीं ना कहीं ये डर तो है ही ना कि भाई इतनी आपकी जस्ट सटी हुई बिल्डिंग गिर रही है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है, असर तो हो सकता है ना। अब डर है सबके अंदर, फियर है, और ख़ासकर जिनकी जिनके फ्लैट्स बिल्कुल फेसिंग है इस बिल्डिंग से, तो उनको तो ज़्यादा फियर है, डर है उनके अंदर। आप कुछ फाइबर से रिलेटेड भी जानकारी दे रहे थे कि अगर थोड़े टाइम तक नहीं गिराएगा डेट बढ़ती रही। हाँ तो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, कहीं पर ये लिखा हुआ था कि जो कंपनी है उसी ने बोला है कि अगर ये सही टाइम से इसको अगर गिराते नहीं हैं तो क्या होगा कि ये मौसम के कारण तेज़ हवाएं, आप देख रहे हैं कैसे तेज़ हवाएं चल रही हैं, पूरे ये फाइबर जो इन्होंने कपड़ा लपेटा हुआ है इसके ऊपर वो खुल भी सकता है, बारिश हो सकती है, बिल्डिंग में चूंकि ड्रिल कर दिया है, ये भी न्यूज़ में था कि बिल्डिंग में ड्रिल कर दिया तो गिर भी सकती है, बिल्डिंग अपने आप भी गिर सकती है अगर समय से इसको डिमोलिश नहीं किया गया तो।